हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉइड टिप्स गुरु। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एंड्रॉइड के लिए टॉप थ्री यूनिक लॉन्चर्स, जिससे आपके स्मार्टफोन को एक काफ़ी बेहतर लुक मिलेगा और आपका स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, इन लॉन्चरों की सबसे खास बात यह है कि ये 2 से 3 MB के बीच में है, तो ये आपके फ़ोन में स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं घेरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इन लॉन्चरों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बगल में जो घंटे का आइकन है, आप उसे भी दबाकर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई लोग, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो पहला लॉन्चर निकल कर आता है, इसका नाम है क्लासिक लॉन्चर 2। और चलिए अब इसे लॉन्च करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको ऐसा कुछ इसका यूज़र इंटरफेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको तीन लाइनें जो दी गई हैं, ब्लू, ग्रे और रेड। यदि ब्लू वाले पर अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो है आपको वेदर की डिटेल मिल जाती है। और अगर सेकंड वाले पर टिक करते हैं तो आपको जो म्यूज़िक की वो है, यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। और थर्ड है आपका ये ऐप्स, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐप्स भी कुछ मिल जाते हैं। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लॉक का ऑप्शन मिलता है। यदि आप क्लॉक पर टच करते हैं तो यहाँ पर क्लॉक की भी आपको अलार्म वगैरह और जो भी है क्लॉक की सेटिंग, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन इसके बाद में ये आपको बहुत सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो ऐप्स हैं मिल जाएंगे आपके। और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार मिल जाता है और यहाँ पर हर एक ऐप की एक अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, तो आप यहाँ से भी बड़ी आसानी से इन्हें ढूंढ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप वापस होम स्क्रीन पर आकर अगर आप इसे लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाएगा। बट इस बार अगर आप ये जो बहुत सारे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो म्यूज़िक की आपकी जो है वो लिस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। देन इसके बाद में फिर वापस होम स्क्रीन पर आएँ और यहाँ पर आपको ये फ़ोन कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मैसेजिंग और यहाँ पर आपको ये जो है फ़ोन की सेटिंग वो है मिल जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अगर आप इसे राइट स्वाइप करेंगे तो फिर से आपके ये जो ऐप्स हैं ये निकल जाएंगे। और यदि आप इसे ये जो आपको ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है गूगल सर्च बार के बगल में, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप थीम का जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे इसकी सेटिंग जो है आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लॉन्चर है, आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉन्चर की। तो फ्रेंड्स, हमारे सेकंड लॉन्चर का नाम है प्लेन लॉन्चर, चलिए इसे लॉन्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्च हो चुका है और ऐसा कुछ आपको इसका यूज़र इंटरफेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है और इससे आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, होम का भी ऑप्शन मिल जाता है, वेदर का ऑप्शन मिलता है और म्यूज़िक का ऑप्शन मिलता है। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो आप सीधे वहीं पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं म्यूज़िक पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट म्यूज़िक पर पहुँच चुका हूँ। और वेदर पर करेंगे तो आप डायरेक्ट वेदर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी ऐप्स जो हैं आपकी वो मिल जाती हैं। और यहाँ पर भी सारी की सारी ऐप्स जो है वो कैटेगरीज में बांट दी गई हैं, तो आप यहाँ से ही बड़ी आसानी से इन्हें ढूंढ सकते हैं। देन इसके बाद में वापस आते हैं होम पर और यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है डायल पैड और आपको यहाँ पर मैसेजिंग, जीमेल, म्यूज़िक, कैलेंडर और मैप्स। तो ये सारी ऐप्स जो हैं आपको यहाँ पर बाहर ही मिल जाती हैं होम स्क्रीन पर। देन इसके बाद में नीचे आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाता है और इसके बाद में आपको यहाँ पर क्रोम का भी ऑप्शन मिल जाता है और यूट्यूब का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लॉन्चर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसकी जो थीम की कलर है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, थीम की कलर जो है वो चेंज हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे थीम्स की कलर दिए हुए हैं, अगर आपके लिए ये भी कम पड़े तो मोर कलर्स में जाकर आप यहाँ से भी कलर्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले से कोई दूसरा लगा रखा था गैलरी से जाकर, तो अब मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है बैकग्राउंड वॉलपेपर। तो फ्रेंड्स, ये था लॉन्चर और ये काफ़ी कमाल का लॉन्चर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट लॉन्चर की। तो फ्रेंड्स, हमारे तीसरे लॉन्चर का नाम है स्ट्रिप लॉन्चर, ये काफ़ी कमाल का लॉन्चर है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे लॉन्च करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लॉन्च हो चुका है और इसके ये आपको ऐसा कुछ आपको इसका यूजर इंटरफेस मिल जाता है जो कि काफी कमाल का लग रहा है और कुछ अलग लग रहा है फ्रेंड्स। इससे आपके फोन को कुछ अलग ही लुक मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ मंथ, और यहाँ पर नीचे आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाती है, फिर आपको गूगल प्ले स्टोर, क्रोम और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में इसके कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, बट यहाँ से आपको सिर्फ एक थीम कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं रेड ले लेता हूँ, और ये देखिए कुछ अलग लग रहा है फ्रेंड्स, काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको डायल पैड मिल जाता है जो कि काफी यूनिक सा लग रहा है, और यहाँ पर अगर आप इसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है वो एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, और यहाँ पर ऊपर आपको सर्च बार दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर गूगल सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, और बगल में ही आपको वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर ये डायल पैड और ये मैसेंजिंग, जीमेल, यूट्यूब, ये जो सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। आप इस लॉन्चर को लगाकर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लॉन्चर है और इससे आपके फ़ोन को काफ़ी कूल लुक मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये और इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 3 लॉन्चर जिससे आपके फ़ोन को काफ़ी कूल लुक मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपका फ़ोन, और मैंने इन तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड्स जो बगल में नोटिफिकेशन आइकन है आप उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।